हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट साउंड करस्पॉन्डिंग टू द गिवन नाउन। तो देखिए, करस्पॉन्डिंग नाउन आपको चुनना है, ठीक है ना, उसके साउंड वर्ड को चुनना है। तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए, ब्रूक का मतलब होता है नाली, और नाली में जब पानी जाता है तो कैसे जाता है? वो बैबल होके जाता है। अगला है द सेम ऑफ डोर। तो डोर का जो साउंड होता है वो कैसा होता है? स्लैम ऑफ डोर। द डैश ऑफ क्रॉकरी, क्रॉकरी जो होता है उसका जो साउंड होता है वो कैसा होता है? रैटल होता है, RELTLE, रैटल। अगला है द डैश ऑफ कॉइंस, कॉइंस कैसे करता है? कॉइन क्लिंग करता है, ठीक है ना, खनकता है, तो क्लिंग कहते हैं उसे। द डैश ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स जब हम कभी ब्रेक लगाते हैं तो आप देखते हैं चूं की जैसी आवाज़ आती है, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रीच। क्या बोलते हैं? स्क्रीच। अब यहाँ पे आते हैं नाउन विद कंटेनर, यानी कि किन चीज़ों को किन कंटेनर में रखा जाता है। तो मिल्क है, तो मिल्क को रखा जाता है आपका कार्टून में। फिर है मेडिसिन, मेडिसिन को आपका लिखा जाता है हियल में, फियल में, ठीक है। अगला है ऑयल, ऑयल को हम किस में रखते हैं? ड्रम में रखते हैं, ठीक है ना। ऑयल को कंटेन करते हैं हम किस में? ड्रम में। अगला है स्वॉर्ड, यानी कि तलवार को हम म्यान में रखते हैं, और म्यान को हम कहते हैं स्केबर्ड, ठीक है। ग्रेन, अनाज को कहाँ पे रखा जाता है? तो अनाज को रखा जाता है ग्रेनरी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आपको बताना है। ए डैश ऑफ पैरट्स फ्लू हाई इन द स्काई। तो देखिए, पैरट यानी कि जो चिड़िया होती है, चिड़िया की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? उसकी ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर है, वी सा ए डैश ऑफ लॉयन इन द सेंचुरी। देखिए, लॉयन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं। उसका आंसर हो जाएगा प्राइड, ठीक है। ट्रू किसको बोलते हैं? मंकी के ग्रुप को ट्रू बोलते हैं, ठीक है ना। हर्ड यानी कि जैसे कि काऊ है, एलिफेंट है, इन सब के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। अगला है 13 नंबर, ए डैश ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज़ वेटिंग टू वॉक ऑफ द रैम्प। ठीक है ना, मैं रैम्प पे बहुत ही खूबसूरत औरतों का इंतज़ार, मतलब रैम्प पे आने के लिए कर रहा हूँ। तो उनके जो ग्रुप को होता है उनको कहते हैं बेवी। आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू डैश ऑफ शूज़। तो देखिए, शूज़ आपका किस में होता है? हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेयर। 15 नंबर, आई हैव पुट डैश ऑफ टूल्स बैक इन द कार। ठीक है ना, तो टूल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ए सेट ऑफ टूल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 16 पे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन। यहाँ पे कौन सा नाउन भरेंगे ये आपको बताना है। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम डैश अबाउट एग्जामिनेशन। ठीक, तो एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑल द डैश वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। तो चीज़ें आग में जल के डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो सब क्या थे? एग्रीमेंट्स थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट्स। आई फॉरगेट टू रीन्यू माई डैश टू द क्रिकेट क्लब। ठीक है, तो मैं रीन्यू करवाना भूल गया क्या अपनी मेंबरशिप को। अगला है 19 नंबर, द चिल्ड्रन इन द डैश ऑर्गेनाइज्ड ए रामलीला फंक्शन। ठीक है, तो जो बच्चे थे वो रामलीला फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। कहाँ के? नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोसी, जो पड़ोस के बच्चे थे, तो हो जाएगा नेबरहुड। राज एंड शशि फॉर्म्ड ए स्ट्रॉन्ग। तो राज और शशि ने क्या बनाया है? एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ई नंबर, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन भरना है, तो क्या भरेंगे? दिस इज़ द बैंक डैश वॉज रॉब्ड एस्टरडे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विच वॉज रॉब्ड एस्टरडे, यानी कि वही बैंक है जो कल जिसमें चोरी हुई थी। ठीक है, 22 नंबर, द वूमेन डैश गेव मी द डैश मनी क्वाइट यंग। तो वो मनी, वो लेडी जो काफ़ी यंग थी, जिसने मुझे पैसे दिए थे। तो क्या हो जाएगा? हु का मतलब जो, वूमेन हु का मतलब जो होता है, ठीक है ना, वह लेडी जो मुझे पैसे दी। तो 23 नंबर है, द वूमेन डैश डॉटर वॉज क्राइंग सिंस लॉन्ग ट्राइड टू काम हर। ठीक है, तो वो औरत जिसकी बेटी काफ़ी देर से क्या कर रही है? चिल्ला रही है, रो रही है। 24 नंबर, लेट डैश हैव द न्यू ड्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हर, लेट हर हैव द न्यू ड्रेस। 25 नंबर, ऑल ऑफ डैश वेंट टू फेच हर फ्रेंड फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ देम। 26 नंबर, माई नेम इज़ राम एंड डैश आई एम टीचर। तो क्या हो जाएगा? माई नेम इज़ राम, मेरा नाम राम है और मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पे होगा आई। 27 नंबर,
माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन असम डैश ऑफन कम टू सी अस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दे ऑफन कम टू सी एस, तो यहाँ हो जाएगा दे। 28 नंबर, हैज स्टोल इन माई वॉच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबडी, समबडी स्टोल इन माई वॉच। 29 नंबर, माई सन लव्स बुक, दीज बुक्स दैट आई हैव बॉट आर फॉर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर सी, हिम। 30 नंबर, वेयर इज माई गिफ्ट, इज दिस ब्यूटिफुल वॉच फॉर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मी, कि मेरा गिफ्ट कहाँ है और ये जो सुंदर सी वॉच है क्या ये मेरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे मी। राहुल लुक्ड एट डैश इन द मिरर, तो राहुल है तो राहुल के लगे यहाँ पे लगेगा हिमसेल्फ, ठीक है ना, जेंट्स हैं ठीक है तो हिम लगेगा और लेडीज़ होती तो क्या लगता हर। डिड यू गेट डैश ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 33, भुवन दिस इज़ यतिन एंड दिस इज़ वाइफ मनु, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, ठीक है ना, भुवन ये यतिन है और दिस इज़ वाइफ, और ये उसकी वाइफ है। विल डैश टेक मच टाइम इफ़ यू कम बाई मेट्रो, तो इसका आंसर हो जाएगा विल इट टेक मच टाइम यू टू बाई मेट्रो। अगला क्वेश्चन है 35, ट्रेसी इज द गुड फ्रेंड ऑफ, तो ट्रेसी किसकी गुड फ्रेंड है ये आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरेंगे, योर हर हिम या माइन, तो यहाँ पे हम भरेंगे माइन, यानी कि ट्रेसी मेरी गुड फ्रेंड है। एवरी टाइम सैंट एंड टेजी गो ऑन लॉन्ग ट्रिप्स दे हैव लीव टूथब्रश बिहाइंड, तो 36 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी देयर। दिस बुक इज नॉट डैश इट इज, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, दिस बुक इज़ नॉट माइन, यानी कि ये किताब मेरी नहीं है, क्या यह आपकी है, इट्स योर, ये आपकी है। तो यहाँ पे आएंगे 38 पे, नो दिस इज़ नॉट सबा एंड सरा हाउस डैश इन करोल बाग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, रूही वॉज फाउंड डैश टॉय नाउ सी हैप्पी अगेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूही गर्ल है तो उसका टॉय था, तो यहाँ पे होगा हर टॉय। गिव द टैडी बियर बैक टू जेरी इट इज़ हिज, ठीक है, जेरी जेंट्स है मैस्कुलिन है तो यहाँ पे हिज का यूज़ करेंगे। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन पे आते हैं, माई अंकल बॉट ए वेरी ब्यूटीफुल डैश ऑफ ड्रावर्स, ठीक है ना, तो ड्रावर्स में क्या लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका चेस्ट। मदर टेरेसा विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हर, तो मदर टेरेसा हमेशा याद किए जाएंगी अपने काइंडनेस की वजह से। द डैश ऑफ क्लॉक, तो क्लॉक का जो साउंड होता है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं चाइम। मदर डिड यू ब्रिंग द डैश दैट केक यू प्रोमिस्ड, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अस। 45, द हाउस वॉज क्वाइट स्मॉल बट नाइस एंड द रूफ वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इट्स, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो रहा है, अगर आप मुझे कुछ पे करना चाहते हैं तो मेरे इस गूगल पे नंबर पे आप पे कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मिलते हैं हमने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।